5 जून को एक बैंक कर्मी शैलेंद्र कुमार की हत्या फोर लेन में कर दी गई, पटना के NH-30 फोर लेन पर कर दी गई। उस घटना के पड़ताल में लगातार पुलिस जुटी हुई थी और अब पटना पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। इस घटना में संलिप्त शूटर सहित 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर घटना की सभी जानकारी दी। बताते हुए ग्रामीण SP कांतेश मिश्रा ने बताया कि घटना का मुख्य साजिशकर्ता शैलेंद्र कुमार का दामाद ही निकला, जो अपने ससुर की हत्या में शामिल था। आरोपी दामाद ने ससुर को फर्जी जमीन दिखाकर 50 लाख रुपए की उगाही कर ली थी और ससुर के द्वारा जमीन के कागजात मांगे जाने पर टाल मटोल कर रहा था। पुलिस के अनुसंधान में दामाद की भूमिका काफी ज्यादा संदिग्ध दिख रही थी, जिसके वजह से पुलिस जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा चंद ही दिनों में कर डाला। आपको बता दें कि शैलेंद्र कुमार की हत्या 5 जून को हुई थी और कुछ ही दिनों में पुलिस ने इन सभी अपराधियों को धर दबोचा है। पकड़े गए अपराधियों के पास से हत्या के दौरान इस्तेमाल किए गए मोटरसाइकिल, स्कूटर, एक देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल बरामद किया गया है। पूछताछ के दौरान अपराधियों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। साथ ही शूटर अजय कुमार ने कारणों का सभी खुलासा भी कर दिया है। 5 जून को करीब 8 बजे दिन में फतवा फोर लेन पर भिकुआ के पास एक कार से आ रहे रिटायर्ड बैंक कर्मी शैलेंद्र कुमार की हत्या हुई थी। इस कांड को की गंभीरता को देखते हुए SDPO फतवा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें SHO फतवा, SHO नदी, दीदारगंज, दनियावा, शाहजहाँपुर और SI रवि पासवान, SI ललित कुमार जो फतवा थाना प्रतिनिधि थे, उनकी वो भी टीम में शामिल थे। इसमें गहन अनुसंधान के बाद रामकृष्ण नगर से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, पवन कुमार, टिंकू कुमार, अमर कुमार और विभा कुमारी। इसमें कि पवन कुमार मृतक का अपना दामाद है और ये पूरा घटनाक्रम जो है ये पैसे को लेकर किया जाना प्रतीत होता है। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि ये जो दामाद है पवन कुमार, ये अपने भाई टिंकू और दूसरी पत्नी विभा कुमारी, जो मृतक के पहले बेटे की ही पत्नी थी, उसके साथ मिलकर ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। इसमें जो शूटर है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जिक्सर जो है वो बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त एक स्कूटी और इनके पास से 3 मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। जो दामाद है उसके खाते में दिखाया गया कि RTGS 10 लाख रुपये के हुए हैं, जो कि मृतक के अकाउंट से हुआ था कुछ दिन पहले। इसके अतिरिक्त उस दामाद के जो भाई है वो कोई फ्रिज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उसका 13 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो उसके भी हमें डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य मिले हैं कि उन्होंने इनके मृतक के पैसे को लेकर हेरफेर किया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ ज़मीन की दलाली की कई मामला आया है कि दामाद को ज़मीन दिलवा रहा था, तो उसमें भी कुछ पैसे की लेन देन हुई है, जिसकी कि अभी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमारे पास नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। इस दिशा में टीम में शामिल सभी लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा और इस खुलासे से एक महत्वपूर्ण केस का उद्भेदन हो रहा है। सर, ये लोग प्रोफेशनल मतलब के शूटर थे कि कहीं समवाया था कि लोकल थे? नहीं, ये तो फिलहाल जो शूटर है वो कंकड़ाबाग में रह रहा था, तो हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, इसके लिंकेजेस देख रहे हैं बाकी अन्य केसेस। ये पहले भी किसी मामले में जेल जा चुका है? ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, कल ही अरेस्टिंग हुई है। तो जैसा कि पहले बताया कि मूल कारण पैसे की नियत से ही हुआ है और पवन कुमार का जो है मृतक के पहले बेटे की पत्नी से संबंध भी था और उन्होंने बाद में शादी भी कर ली थी रजिस्ट्री ऑफिस में। इसकी प्लानिंग कब और कैसे, कितने दिनों से चल रहा था? ये काफ़ी दिनों से चल रहा था, जो क्योंकि पवन कुमार लगातार प्रयास कर रहा था, ये जो पैसे का हेरफेर काफ़ी समय से चल रहा था और जब फरवरी या जनवरी में रिटायर किए उसके बाद से ही वो प्रयासरत था कि पैसे का गबन किया जाए। पैसे को लेकर कोई विवाद हुआ होगा ना, वार्तालाप कोई योगी मृतक से झड़प हुआ होगा या कई बार कुछ अल्टीमेटम दिया गया होगा? नहीं, ऐसा कुछ झड़प नहीं हुआ था, लेकिन उनको फील हो रहा था कि ये पैसे का गड़बड़ी हो रहा है। जमीन जो दिखाया गया था वो भी बताया जा रहा है कि जमीन सही जमीन नहीं था, वो उस दिशा में अनुसंधान कर रहे हैं आगे। टोटल 50 लाख की बात बताई जा रही है, जिसकी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमारे पास 23 लाख का है, 10 लाख जो उन्होंने RTGS किया है और 13 लाख जो है भाई जो है अपने फ्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पैसा डाल रहा है। सर, बाली है, टोटल जो भी है बाली है। जी।